एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है, जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है ये है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया, बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, और ये है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और ये है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री, इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है, वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए।